अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रदेश भर में पांचवी तथा आठवीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल बदलने की मांग की है। उक्त मांग को लेकर मंगलवार को प्रदेश के सीएम तथा शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। ऐसे हालात में आगामी 16 अप्रैल से पांचवी तथा आठवीं बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक किया जा रहा है। दोनों परीक्षाओं के लिए 2 से 3 किलोमीटर दूर परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश का तापमान 40 डिग्री के आसपास चल रहा है और आगामी दिन में और भी बढ़ने की संभावना है। दोनों ही परीक्षाओं में 9 से 10 साल के बच्चे शामिल होंगे। ऐसी स्थिति में अभिभावकों के लिए एवं बच्चों के लिए इस भीषण गर्मी में आना जाना भारी नुकसानदायक हो सकता है। संगठन पदाधिकारियों ने सीएम तथा शिक्षा मंत्री से बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए परीक्षा टाइम टेबल में बदलाव करते हुए परीक्षा का समय सुबह जल्दी करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत कुमावत, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विवेक शर्मा, विभाग उपाध्यक्ष मुकेश सोनी, जिला अध्यक्ष एडवोकेट रमेश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष महावीर कुमावत, नगर अध्यक्ष अशोक सारडा, नगर मंत्री सत्यनारायण बालोदिया, मंत्री पिंटू यादव, महेंद्र बोहरा, संदीप चौहान तथा कपिल कुमावत सहित अन्य शामिल थे। आज ब्यावर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा छात्र हितों में एक जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम एक ज्ञापन दिया है। शिक्षा मंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा गया है उपखंड अधिकारी जी ब्यावर के जरिए। उसमें मांग की गई है कि कक्षा 5 और कक्षा 8 के जो 16 अप्रैल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं उसमें जो भरी दोपहर में टाइम टेबल के अनुसार टाइम दिया गया है कि 2 बजे एग्जाम शुरू होंगे, 4:30 बजे समाप्त होंगे। इन बच्चों के सेंटर शहर से 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जहां भी सेंटर आया है शहर से उन बच्चों को जाना पड़ेगा। 8 साल 9 साल की आयु के ये 5वीं की कक्षा के बच्चे होते हैं। हमने मांग करी है कि शिक्षा मंत्री जी इसके ऊपर प्रसन्न लें और इस समय में बदलाव करें ताकि छात्रों को भरी गर्मी में असुविधा का सामना न करना पड़े। What you want to become when you grow up? I want to become a police officer. I want to become a pilot. I want to become a doctor. I want to become an engineer. I want to become a software developer. I want to become a singer. I want to open a school for orphans.